मैं तृप्ति शाक्या और आप सबकी जानी पहचानी सिंगर और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज मैं आप सबके बीच हूँ किसी ख़ास वजह से, और वो वजह क्या है वो अभी अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अब बता ही दीजिए कि ये वजह है क्या। एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड, मेरी एक मूवी रिलीज़ हो रही है जिसमें मैंने प्लेबैक किया है, पहली बार हिंदी सॉन्ग मैंने गाया है, और कुटुंब द फैमिली जो कि आने वाले 3 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही है, इसमें मैंने एक डुएट सॉन्ग गाया है, होली का सॉन्ग है, जिसको मैंने राजपाल यादव जी के, एक्टर राजपाल यादव जी के साथ गाया है। इस गाने के कंपोज़र हैं आर्यन जैन जी, और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर केडिया जी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे मेरे भाई ने, अमित यादव जी, एंड बहुत अच्छी मूवी है, बहुत फैंटास्टिक कास्ट है इसमें, और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी सुंदर सी फैमिली मूवी है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगी कि ये मूवी जैसे ही रिलीज़ हो सब लोग ज़रूर इस मूवी को देखें, और मैं एक दावा कर सकती हूं कि ये मूवी देख करके अगर किसी की आंख में आंसू ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ओके मैम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सिंगिंग, लाइक ड्यूरिंग सिंगिंग दिस सॉन्ग, बिकॉज आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग्स गाए हुए हैं, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया इस गाने को रिकॉर्ड करते समय। एक तो राजपाल यादव जी के साथ गाना रिकॉर्ड होना, मतलब कि यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन रही होगी, वो खुद ही इतने फ़नी कैरेक्टर हैं, और गाना हो, मज़ेदार सेशन था हमारा रिकॉर्डिंग के टाइम। आर्यन जैन जी ने बहुत ही अच्छे से मुझे गवाया, और बहुत मज़ा आया इस गाने को गाकर, क्योंकि डिवोशनल से हट कर के मैंने एक फिल्म के लिए गाना गाया है, एंड दैट टू होली का सीक्वेंस, जो कि बहुत ही मज़ेदार अपने आप में होता है। बहुत मज़ा आया, मज़ेदार सेशन था, और द बेस्ट पार्ट की राजपाल यादव जी के साथ जो एक कॉम्बिनेशन था गाने का, दैट वाज सुपर्ब। ओके, जैसे कि आपने कहा कि ये होली का सॉन्ग है, तो इस सॉन्ग में थोड़ी मस्ती मजाक है या फिर? यस ऑफ कोर्स, ये पूरा मतलब फनी सॉन्ग है, क्योंकि ये गाना पिक्चराइज भी राजपाल जी के ऊपर हुआ है, तो डेफिनेटली भाई जब राजपाल जी किसी गाने में हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गाना कितना फनी होगा, यू कैन वेल इमेजिन इट। ओके, तो इस गाने की 2 लाइनें हो जाए? या श्योर, व्हाई नॉट। अवध का छोरा, अवध का छोरा रे खेले रे गुलाल, अवध का छोरा रे खेले रे गुलाल, अवध का छोरा रे खेले रे गुलाल, अवध का छोरा रे खेले गुलाल। पूरा गाना तो फिल्म में आप सब सुनेंगे, आई होप ये गाना आप सब। मैम, आप अगर आप कोई भी मूवी देखी, मतलब देखने जाए, तो जो सॉन्ग्स होते हैं वो हार्ट माने जाते हैं, क्योंकि सॉन्ग से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सॉन्ग वो हार्ट बन पाएगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये गाना फिल्म की जान है, ये गाना इस गाने की सिचुएशन ऐसी है, एक तो होली का सॉन्ग है, ऊपर से राजपाल यादव जी इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने गाया भी है ये गाना मेरे साथ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गाना है, और मुझे लगता है कि ये होली में हर साल बजने वाला गाना के रूप में ये एस्टैब्लिश होगा। ओके, ये फिल्म जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है, तो उसको लेके कितने एक्साइटेड है और कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी पहली हिंदी मूवी रिलीज़ हो रही है, और 3 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि एक तो गाना मैंने गाया है, ऊपर से फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि ये फिल्म आप सब ज़रूर देखें। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी जो फैंस मुझे देख रहे हैं, मुझे जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, आप सबसे अपील करती हूँ कि ये मूवी कुटुंब द फैमिली आप सब ज़रूर देखें। मैम, थोड़ा पास्ट में जाते हैं, मतलब 12 साल की उम्र से आपने गाना शुरू किया है, इतनी शिद्दत, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन कैसे? देखिए, मैंने जब से होश संभाला है मैंने गाना शुरू कर दिया था। आई थिंक मैं 12 साल की थी तब से मैंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। मेरी स्टार्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई, जबकि मेरे पूरी फैमिली में कोई म्यूज़िक का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये बस एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था मेरे अंदर,
जिसको मेरे फादर ने बहुत मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया. वो जहाँ भी मुझे ले जाना होता था, कोई अच्छा म्यूज़िक टीचर के बारे में जब उन्हें पता लगता था, मुझे वहाँ लेकर जाते थे. मेरे साथ उन्होंने बहुत मेहनत की. एंड आई एम ब्लेस्ड जो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने मेरी प्रतिभा को रोका नहीं, मेरी प्रतिभा को उन्होंने बढ़ चढ़ कर बढ़ाया है. तो थैंक यू गॉड फॉर. मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में स्ट्रगल जैसा फेज़ कभी आया नहीं. मेरी जब से शुरुआत हुई, मैंने आगे ही आगे कदम रखा है, पीछे आने का कभी मौका नहीं मिला. एंड आई होप कि आगे भी मुझे बस ऊपर की ही सीढ़ियाँ चढ़नी है, नीचे की नहीं चढ़नी है. श्याम बनने का मौका कब मिला आपको? कब आपको लगी श्याम बन के कभी राम बन के? कैसे यस. शुरुआत हुई? माइक से मैं बोलिए। जगह जगह प्रोग्राम्स करती थी. यूपी से मैंने स्टार्ट किया, इलाहाबाद से शुरुआत की, उसके बाद बिहार, अलग अलग स्टेट्स में गाना शुरू किया. सडनली मेरे पास टी सीरीज से कॉल आया ऑडिशन के लिए. जब दूर दूर तक लोग मेरे नाम की चर्चाएं होने लगी, कुछ लोकल कैसेट कंपनी से मेरे एल्बम्स रिलीज़ हुए, उसका रिस्पांस देख करके टी सीरीज़ ने मुझे स्वयं बुलाया. और मैंने बहुत सारे एल्बम्स किए टी सीरीज़ में भी. और सडनली मुझे 2000 में कभी राम बन के कभी श्याम बन के गाने का ऑफ़र मिला टी सीरीज़ में. मैंने गाया. गाते वक्त तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एल्बम इतना बड़ा हिट होने वाला है, मगर ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गॉड की तरफ से कि ये एल्बम इतना बड़ा हिट हुआ और लोग मुझे उस गाने से आइडेंटिफाई करने लगे. मुझे जहाँ भी लोग देखते थे बोलते थे, वो देखो कभी राम बन के कभी श्याम बन के जा रही है. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहा है और मैं इस एल्बम को अपने करियर का माइलस्टोन मानती हूँ, क्योंकि इस एल्बम ने मुझे एक अलग पहचान दी है. भक्ति वाले जो सिंगर्स होते हैं यस भक्ति में ही रह जाते हैं, उनको जी बड़ी फिल्में वगैरह, जी तो कैसा लग रहा है आपको फिल्मों के भी गाने गाए हैं आपने, जी और जब आप मंदिर के सामने से निकलते हैं आपका गाना बजता है यस तो कैसी फीलिंग आती है आपके अंदर? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है. और लोग मुझे भक्ति के गाने से जोड़ते हैं, यानी एक तरीके से भगवान से जोड़ते हैं. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि लोग मेरे मुंह से भजन सुनना पसंद करते हैं, मुझे भजन सुनने के लिए इनवाइट करते हैं. तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है. और मैं उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि भजन के माध्यम से लोग मुझे जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है. एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप भजन गा रहे हैं तो आपको बाकी सॉन्ग्स के लिए कभी कोई बुलाएगा नहीं. अगर आप में टैलेंट है, अगर सिंगर मजबूत है, टैलेंटेड है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है. चाहे वो फिल्म का गाना हो, चाहे जैसा भी जिस भी जॉनर का गाना हो, वो बखूबी गा सकता है. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या हैं? कुटुंब तो है ही, आपने जी बताया। कुटुंब रिलीज़ होने के बाद एक और फिल्म मेरी लाइंड अप है, वो कृष्णा के ऊपर बहुत बड़ी मूवी बन रही है. उसमें मैंने कैलाश खेर जी के साथ एक डुएट सॉन्ग गाया है, ये भी बहुत बड़ा गाना है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बिग प्रोजेक्ट्स. और उसके बाद दो चार फिल्म्स और लाइंड अप हैं. अमित यादव जी की डायरेक्शन में एक और बहुत बड़ी मूवी बनने जा रही है, उसमें भी मुझे गाना है. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं. मुझे लगता है कि 2018 मेरे लिए बहुत बड़ा साल साबित होगा और दो चार बड़ी फिल्म्स में मैं गाने वाली हूँ. तो मेरे लिए आने वाला वक्त बहुत ही गोल्डन टाइम होगा. कुटुंब से क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है कुटुंब, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि कुटुंब एक बहुत अच्छी, बहुत स्वीट फिल्म है, बहुत ही टचिंग है, बहुत पारिवारिक मूवी है. और आजकल के ज़माने में जहाँ हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पर कभी इस तरह का ऐसी मूवीज़ देखने को जल्दी मिलती नहीं है, मुझे लगता है कि बागबान के बाद कुटुंब द फैमिली एक ऐसी मूवी होगी जो उसके पैरेलल में खड़ी हो सकती है. तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस मूवी से. और मैं अपने सभी फैंस से बार बार यही अपील करूंगी कि इस मूवी को ज़रूर 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 देखें. जाते एक बार आपका दिल के करीब जो गाया जिसने आपकी लाइफ बदल दी, या वो गाने को गुनगुनाएं ज़रूर मतलब ज़रूर. या कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना. कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना. थैंक यू। हम थैंक यू दुआ करते हैं कि आगे भी नए नए प्रोजेक्ट आते रहें आपके। और जी, थैंक यू सो मच.